जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। हम इसमें बात करते हैं डिफेंस और ज्ञान से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। तो आज हम जानेंगे एक स्पेशल खबर के बारे में और एक स्पेशल, ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है आपके लिए और आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डिफेंस से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए लाते हैं। तो आज हम जानेंगे क्या सेना के खिलाफ FIR हो सकती है या नहीं। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं एक इंडियन जो हमारा जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा एक पास किए एक एक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। इसको A.F.S.P.A कहते हैं शॉर्ट में, इसका मतलब है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट। इसके तहत आर्मी को ये छूट दी जाती है जहाँ भी जो डिस्टर्ब एरिया है, जहाँ पे भी पीस नहीं है, यहाँ पे भी अशांति है, वहाँ पे जब ये पोस्टेड किए जाते हैं तो वहाँ पे इनको ये छूट दी जाती है कि ये अपने ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं या अपनी जान बचाने के लिए या वहाँ पे जो लॉ ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए अपन कभी कभी ये फोर्स का भी उपयोग कर सकते हैं, बल प्रयोग भी कर सकते हैं। ये बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और ये किसी की भी तलाशी ले सकते हैं घर की, इसी विशेष अधिकार अधिनियम के तहत, जिसको A.F.S.P.A कहा जाता है। इसको पास किया गया था हमारी पार्लियामेंट के द्वारा 1958 में 11 सितंबर को इसको पास किया गया था और इसको लागू किया गया था हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे कि मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, असम के एरिया है, वहाँ पर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अशांति थी, इस वजह से सबसे पहले इसको वहाँ पर लागू किया गया। उसके बाद इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया था 1990 के बाद, ताकि वहाँ पर शांति बनाई जा सके, क्योंकि 1990 में वहाँ पर अशांति फैलना चालू हुई थी जम्मू कश्मीर में। तो इसको वहाँ पर भी लागू किया गया था A.F.S.P.A को, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1958। इसके तहत सेना को ये अधिकार होता है कि वो किसी की भी तलाशी ले सकते हैं और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और ये जरूरत पड़े तो बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर बल प्रयोग में किसी की जान जाती है तो इस सेना के खिलाफ कोई भी FIR नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1958, जो कि 11 सितंबर को लागू हुआ था हमारे देश में, जो कि पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था। तो इसी की वजह से सेना के खिलाफ FIR नहीं हो सकती है, कोई भी राज्य सरकार सेना के खिलाफ FIR नहीं कर सकती है जब तक कि जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं वो इसकी इजाज़त ना दें या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसकी इजाज़त ना दें। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इजाज़त देती है और आर्मी अथॉरिटीज़ इजाज़त देती हैं आर्मी के खिलाफ या जो भी ऑफिसर है उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की, तो FIR दर्ज हो सकती है। इसमें ऐसा नियम नहीं है कि सेना के खिलाफ एक्सक्लूसिव पावर नहीं है कि इनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती, लेकिन आप उसके लिए आपको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा और वैलिड रीज़न देने के बाद सेना के खिलाफ भी FIR दर्ज हो सकती है। क्योंकि अगर सेना इसका ज़्यादा प्रयोग करती है तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारे मानव अधिकार हैं उनका हनन ना हो, इस वजह से आर्मी को भी इस एक्सक्लूसिव छूट नहीं दी गई है, उसको भी FIR उसके खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन हर वक्त उसके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। क्योंकि जो भी डिस्टर्ब एरिया होते हैं, जो राज्य सरकार डिस्टर्ब एरिया घोषित करती है अपने उन इलाकों को, वहाँ पे ये राज्य सरकार द्वारा ही डिमांड की जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी फोर्सेज की, जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं आर्मी है उनको वहाँ पे पोस्ट किया जाता है, लेकिन वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा अपॉइंट वहाँ पे भेजे जाते हैं। तो राज्य सरकार का रोल क्या होता है, खाली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है हमारी सेना, उसके बाद का प्रोसेस जो होता है फिर राज्य सरकार संभालती है। और सेना का मेन मकसद या पैरामिलिट्री का मेन मकसद होता है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, जो भी प्रशासन है उसको मेंटेन कराना, उसके जरिए पूरा पीस मतलब शांति वहाँ पे स्थापित करनी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो इंडियन आर्म स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत सेना के खिलाफ FIR नहीं हो सकती है जब तक कि आर्मी अथॉरिटीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाज़त ना ली जाए। ये इस वजह से इनको पावर दी जाती है, क्योंकि अगर हम बार बार सेना के खिलाफ FIR करेंगे तो सेना के जो भी अफसर हैं, जो भी जो बॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं डिस्टर्ब एरिया में अपनी जान की बाजी लगाते हुए, तो वो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएंगे और अपना काम बखूबी नहीं निभा पाएंगे। तो इसी वजह से काफ़ी अच्छी पावर दी गई है इस एक्ट के तहत और दुरुपयोग ना हो इसके भी प्रोविजन किए गए हैं इस एक्ट में, जो हमारी 1958 में पास की गई थी, जिसको A.F.S.P.A कह देते हैं और फुल फॉर्म इसकी मतलब ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1958 11 सितंबर को एनएक्ट की गई थी हमारे पार्लियामेंट द्वारा।
तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको किस चीज़ के बारे में जानना है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।